मैंने मून वॉल लैंप को किस तरह बनाया ये तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। हे सुपर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में मून वॉल लैंप बनाया था, लेकिन इस पर लाइट्स नहीं लगाई थी, तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे इस पर लाइट्स भी लगाएं, तो आज मैं इस पर लाइट्स लगाऊंगी। तो मैंने मंगवा ली हैं फेरी लाइट्स, तो जब इनको ऑन करो तो ये कुछ इस तरह की लगती हैं और ये बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। लाइट्स को मैंने पूरा खोल लिया है, अब मैं आप लोग को ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी हैं एंड अब हम इसको अपने मुंह में लगाएंगे। तो ये है हमारा मुंह जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया था, तो इस पर आज हम लाइट्स लगाएंगे। सबसे पहले ये मैंने थर्माकोल के दो पीसेस कट कर लिए और इनके साथ फोम वाली डबल साइडेड टेप लगा दी है एंड अब इसको इसके पीछे हमने स्टिक कर देना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से स्टिक कर दी है, तो अब बारी आती है लाइट्स लगाने की। पर कुछ इस तरीके से लाइट्स लगा दी हैं और ये देखने में तो बहुत प्यारा लगता है। तो अब हमने लाइट के इस बटन को एक अच्छी जगह एडजस्ट कर देना है ताकि हमें ऑन ऑफ करने में आसानी हो। तो इसको भी मैं टेप के साथ अच्छी तरह से स्टिक कर दूंगी। अब ये भी इस पर स्टिक हो गया अच्छे तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसा लगता है एंड मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। तो लाइट्स का ये जो बटन वाला हिस्सा था ये बहुत मुझे ख़राब लग रहा था एंड ये अच्छे तरीके से स्टिक नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसको ग्लू गन की मदद से इस पर स्टिक कर दिया अच्छे तरीके से। इस पर अच्छे तरीके से स्टिक हो गया है और अब ये इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, तो अब देखते हैं कि हमारी लाइट कैसी लगती है। तो गाइस मुझे तो ये देखने में बहुत प्यारी लगी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि नेक्स्ट वॉल पुट्टी से मैं क्या बनाऊँ।